Hello everyone, my name is Tanveer Amar. I welcome you all for the today online learning class. In the previous class, we have discussed about combination reaction now. And we have seen lot of example of combination reaction. Now we just gonna deal with the decomposition reaction. What is the meaning of decomposition? चलिए एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो सबसे पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं. क्या चीज़ दिया हुआ, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. बॉइलिंग ट्यूब में आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेना है. नोट दैट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट सोल्यूशन, आपको कलर को नोट कर लेनी है. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर. बर्नर के फ्लेम में जाकर हीट करना. स्पिरिट लैम्प शो इन ए फिगर. ऑब्जर्व द कलर ऑफ अ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. आफ्टर हीटिंग के बाद उस क्रिस्टल का कलर आपको चेक करना. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे फेरस सल्फेट को किया गया हीट. हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड मिली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगी. ठीक है ना. हैव यू नोटिस दैट इवन कलर ऑफ अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल has changed. You can also smell the characteristics order of the burning sulfur. Okay, in this reaction we can observe that the single reactant break down to give a simple product. This is the decomposition reaction. Decomposition reaction mein kya hoge, single aapke compound hoge, jo reactant hoge aapke wo tootenge, one or more than one product mein tootenge. Theek hai, ferrous sulfate crystal FeSO4 और 7H2O. ठीक है, लूजेज वाटर व्हेन हीट एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज. इट डिकम्पोजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल द SO2 एंड SO3 आर द गैसेस इन द गैसियस फॉर्म. ठीक है ना. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन अ वेरियस इंडस्ट्री. तो अगर यहाँ पे देखी जाए, एग्जांपल ली गई है डिकम्पोजिशन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी बहुत ही कॉमन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल में. ठीक है ना. इट हैज़ मेनी यूजेस. वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन. तो कोई भी अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है थ्रू हीटिंग, देन वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी भी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. तो नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देखेंगे यहाँ, टेक ए 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए गिवन बॉइलिंग ट्यूब. होल्ड अ बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ ए टॉन्ग एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम. क्या किया गया, PbNO3 होल्ड ट्वाइस को लिया गया यहाँ पे और उसको फिर हीट किया गया. उसके एग्जांपल को देख रहा हूँ यहाँ पे, लेड नाइट्रेट. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द 9th क्लास. ओके, तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, कि आपने देखा होगा वहाँ पे कि वहाँ पे क्या देखा था, लेड नाइट्रेट को जैसे ही आप हीट करोगे लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी. ठीक है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक कलर थी, रेडिश ब्राउन कलर की कलर आपसे फ्यूम निकल रही थी जो बाकी काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल दे रही थी. लेट अस परफॉर्म सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी एज गिवन. एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि एक्टिविटी 1.7 में दिखाई गई. टेक ए प्लास्टिक मग में लियो, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिल रबर सपोर्ट इन दिस होल. ठीक है, एक प्लास्टिक मग को लिएगा, उसमें 2 रबर सपोर्ट लगाए गए. ठीक है. इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स. देख सकते हैं, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड इन 6 वोल्ट बैटरी. फिल द मग विद वाटर सच एज द इलेक्ट्रोड आर इमर्स. एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल विद वाटर एंड द इन्वर्ट दम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. अब 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया जो वाटर से फिल थी, फिल्ड विद वाटर, उसको क्या कर दी गई, इन्वर्ट कर दी गई कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर में. ठीक है. स्विच ऑन द करंट एंड लीव द
apparatus undisturbed for some time. अब इसको जब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब इस टेस्ट ट्यूब को डाल करके इसको ये कर दोगे, छोड़ दोगे करंट में सप्लाई करके, ठीक है ना, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद ए रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली, जब उसमें गैस भर जाएंगी तो आप क्या करोगे उसको वहाँ से आराम से केयरफुली हटाइए वहाँ से, दिस टेस्ट गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आप क्या करना है वन बाय वन उसमें बर्निंग कैंडल के लाना है टेस्ट ट्यूब के सामने, उसको वहाँ से निकाल करके, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, व्हाट हैपन इन ईच केस विच गैसेस प्रेजेंट इन द ईच टेस्ट ट्यूब, तो इसमें आप देखोगे इस वी विल परफॉर्म वी विल ट्राई टू परफॉर्म द एक्टिविटी देन we can able to understand this activity in the laboratory, okay, I'm just lifting this activity, whatever the topic left, let me move further activity, that is take 20 about 2 gram silver chloride in a china disc, what is its color, place this china disc in a sunlight for some time, observe the color of silver chloride after some time, तो क्या होगी इसमें भी क्या होती है कि इसमें आप देखोगे कि सिल्वर कन्वर्ट होगी सिल्वर में, सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट होगी सिल्वर में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, दिस आर द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, सेम कंडीशन आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी क्या हो रही है सिल्वर ब्रोमाइड कन्वर्ट हो रही है सनरे सनलाइट के प्रेजेंट में सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाटएवर द टॉपिक लेफ्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे.